लाखों करोड़ों किसान आज सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने इस काले कानून के विरोध में स्वर्गीय चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों का आज कार्यक्रम है। आज मुख्यालय पार्टी दफ्तर में भी पटना में भी हमने मल्यार्पण किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि 5 तारीख को हम लोगों ने बापू के सामने जो है संकल्प लिया कि हम लोग किसानों के संघर्ष में, इस आंदोलन में उसके साथ रहें और आगे भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। हम लोगों ने कई बार इस बात को उठाया है कि किसान का जो सवाल है MSP को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, जहां केंद्र सरकार ने इस बिल में कोई चर्चा नहीं की है, और आप ये कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर ऐसा जो सेक्टर था जहां किसान अपने मेहनत से देश को अन्न देने का काम करता था, जो अन्नदाता कहलाता है, ये पूरी तरीके से इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाना है। पहले भी हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के कितने फैसले रहे हैं, जितने आपके चाहे GST हो, नोटबंदी हो, एक्चुअल पोजीशन या धरती पे उसका स्थिति क्या निकला, ये आप लोगों से छुपा रहे हैं। हम लोग लगातार इस कानून को लेकर के चर्चा करते रहे हैं और कई प्रेस वार्ता में भी आप लोगों के सामने क्या क्या कमियां हैं बिंदुवार आप लोगों को बताने का काम किया है। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो APMC जो बाजार समिति मंडी 2006 में नीतीश कुमार जी ने बंद कराने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं कि देश में अगर किसानों का पर परिवार सबसे कम आय अगर है तो बिहार में क्यों, कारण क्या है, वजह क्या है? पर परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 है। बगल का अगर झारखंड अगर आप देखें तो वो बिहार से ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि जो आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बन गए? आखिर इसका कारण क्या है? आज हम लोग अगर बिहार की बात करें तो किसान जो है मजदूर बन गया, और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों के पास सारे सर्वे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं जहां ये साफ स्पष्ट पे दिखाता है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बनते चले गए। देश भर में आए सबसे कम बिहार के किसानों का है, ये सच्चाई है। इसलिए हम सब लोग, जितने हमारे बिहार के किसान हैं, किसान संगठन हैं, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, अभी भी अपील किया है कि सब लोग जो है
देखा, हर तरीके से जो है इसका निजीकरण किया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे नेता जो है जो केवल चमचे के बहाने किसानों को गालियां दे रहे हैं, अतिवृष्टि गालियां दी गई, न्यूज चैनलों पर बैठ करके दिन भर कुछ लोग जो है गालियां दे रहे हैं, किसानों को दलाल बताया जा रहा है, किसानों को धुंधला बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो हम लोग सब लोग पूरी देश की जनता और किसान जो है इस चीजों को देखने का काम कर। अब बार बार हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अगर हमारे पास जो डाटा है, अगर आप देखा जाए कि सरकार का जो टारगेट होता है चाहे धान नदी प्राप्ति को लेकर के या आपका गेहूं की अधिप्राप्ति को लेकर के, तो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा। अगर 2018-19-20 देखा जाए तो 3000 मेट्रिक टन सरकार का टारगेट था कि हम धान की अधिप्राप्ति करें, हुआ कितना उसका आधा भी। उसी तरीके से अगर आप गेहूं का देखा जाएगा तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं। 2019-20 में फिर से 30 लाख मेट्रिक टन रखा गया और वो लक्ष्य को भी उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया। 2018-19 में देखिएगा तो 14.6-16 लाख मेट्रिक टन ही दिन धान की अधिप्राप्ति हुई, 20 लाख मेट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई। यानी सरकार जो अपना लक्ष्य रख रहा है उस लक्ष्य को भी जो है वो पूरा नहीं कर रहा, जो 30 लाख मेट्रिक टन का है। और कई केंद्र मंत्री आकर के नीतीश जी के घर बख्तियारपुर जाकर के वो किसानों को सलाह देने का काम कर रहे हैं, नीतीश जी के घर जाकर के, जिनको ये नहीं पता है कि कितना गाय का खाद होता है, कितना कौन सा फसल होता है, वो सब जो है आज किसानों को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों को जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरा साफ सवाल है खासतौर पे बिहार के किसानों को लेकर के, क्योंकि आय देश भर में सबसे कम थी। बिहार के कितने एमपी बीजेपी के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, जेडीयू के हैं, कितने केंद्र मंत्री हैं या राज्य सरकार है। हम लोग लगातार इसलिए कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया। और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किसानों को भी बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। वेबसाइटों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, ये किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है, कोई कर खाना बिहार में इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा। और जो बिहार सबसे ज्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है। और वहां अगर आप एपीएमसी को खत्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, बाजार समिति को खत्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है। अब कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम है। ये अन्नदाता है, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, एमएसपी को लीगल
फिक्स किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग, हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहाँ बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलिया है, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे, क्या एमएसपी खत्म करके जो किसानों के फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे करेगा? किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है धान, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीद खरीदारी हुई? 800, 900, 1000। ये बड़ी समस्या है और बिहार के मुख्यमंत्री इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए भी जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से कुछ नहीं, लोग तो एक से एक बयान पीर है, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया। उसके हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी की जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिला बार हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर नेता उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करते हैं और हम लोग मजबूती के साथ जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं, उनके संघर्षों के साथ हम और हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, ये तो जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, हाउस में भी नहीं देते, विधानसभा में भी नहीं देते कि भाई आए आपके किसानों का काम क्यों है, बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है, क्या ये सच नहीं है कि पंजाब हरियाणा में या कहीं बॉम्बे में कहीं काम अगर कर रहे हैं बिहार के लोग तो बिहार के किसान ही है? तो इसलिए हम लोग सब लोग इस चीज को लेकर के चिंतित है कि एपीएमसी रद्द हुआ, बिहार के किसान मजदूर हो गए, पलायन कर गए और मजदूरों के साथ नीतीश कुमार जी ने क्या किया ये किसी के साथ छुपा नहीं। और अगर हम